रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा यार। ठीक है, नीट एग्जाम क्रैक करना है ना, और नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक दिन दस घंटे बैठ कर पढ़ाई कर लो, उससे सिलेक्शन होता है? कभी नहीं होता है। ऐसे 10 घंटे, ऐसे 5 घंटे लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये लगातार एंड जब तक नीट एग्जाम नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है। तो बच्चों क्या करें, क्या करें? इसी साल तो पढ़ना है यार, 1 साल और 8 महीने, मतलब 1 साल पूरा भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 8 महीने आपको, ये 8 मंथ जो है आपको पढ़ना है। तपना पड़ेगा भैया, तपना पड़ेगा। जितनी मेहनत करोगे उसके प्रोपोर्शनल में रिजल्ट आपको मिलेंगे, जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, मेहनत कम करोगे रिजल्ट कम मिलेगा। जब हमने मेहनत करी नहीं तो फिर किस बात का गिल्टी फील करें कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? अगर मेहनत करी है उस प्रोपोर्शनल में आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। आपके टीचर्स ने आपको बेहतरीन पढ़ाया, आपने बेहतरीन पढ़ाई करी, उसके बाद भी जो है रिजल्ट नहीं आया, मतलब दोनों की एनर्जी कहीं किसी गलत डायरेक्शन में जा रही थी भैया। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है? इतनी मेहनत करो कि दोबारा कुछ करने का जरूरत ही ना पड़े जीवन के अंदर। बस मेहनत मेहनत मेहनत, ये आप कर सकते हो यार बेटा, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए इस संडे फिर से टेस्ट लिया जाएगा। ये डीएन ब्रांड आपके साथ तब तक बना रहेगा जब तक कि आपका जो है नीट में सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपकी क्लासेस किसी ना किसी फॉर्म में चलती रहेगी। ऑर्गेनिक तो जल्दी खत्म हो जाएगा, हो जाने दो यार, उससे क्या फर्क पड़ेगा। टेस्ट चलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज चलता रहेगा, रैपिड रिवीजन चलते रहेंगे, रैपिड फायर चलते रहेंगे, एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह के पता नहीं क्या क्या आप लोगों के लिए करते रहेंगे, मगर करते रहेंगे जब तक आपका नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट और एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं। अब बेटा हम लोगों ने एडमिशन्स क्लोज कर दिए हैं, अब हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, वो दिवाली के बाद होगा। और बेटा इस बात का ध्यान रखिए, अब मैं 31 अक्टूबर को जो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से मिलूंगा, एक जश्न करेंगे और उसमें मजे करेंगे। और कैसे मजे करना है, क्या करना है, ये आप लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो जब तक बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।